गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएसएस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर के डिफिनेशंस एंड उसके यूसेज या स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसी तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ एप्लीकेशन, इसके कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कंप्यूटर का एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ एप्लीकेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। वहीं हम बात करते हैं बिजनेस की बात करते हैं। कंप्यूटर है जो हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी विच हैज मेड इट एन इंटीग्रेटर पार्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर काफ़ी हाईली स्पीड होता है डेटा कैलकुलेशन के लिए, रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इसमें, एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको एक बिजनेस का इंटीग्रेटेड पार्ट मान के चला जाता है। कोई भी बिजनेस आप सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर कोई भी एक ऑफिस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर एक मैंडेटरी पॉइंट बन के आ रहा है, ठीक है। उसमें इसको इंटीग्रेटेड पार्ट कंसीडर किया जा रहा है जस्ट ड्यू टू द एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड ऑफ डेटा कैलकुलेशन एंड रिलायबिलिटी की वजह से बिजनेस में कंप्यूटर एक इंटीग्रेटेड पार्ट के तरह कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि पेरोल कैलकुलेशंस, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉइज है, उनका पेरोल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उनका पेरोल कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसका बजट कैलकुलेट करना है तो फिर से हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। वी नीड टू हैव टेक द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जस्ट टू कैलकुलेट द बजट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सेल्स एनालिसिस, लेट सपोज कोई कंपनी है अपना प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, और मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो सेल्स कितना हुआ, क्या उसका एनालिसिस रहा, मतलब सेल्स का क्या परसेंटेज ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जस्ट लाइक फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कोई भी बिजनेस है फाइनेंशियली उसको स्टार्ट कैसे करना है, ये सारा भी अगर करना चाहते हैं आप तो उसको, उसके लिए आपको कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉय की डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी कंप्यूटर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एम्प्लॉय डेटाबेस का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय डेटाबेस का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। जैसे कि एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, उसका एम्प्लॉय का ईमेल आईडी आ जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर आ जाएगा, एम्प्लॉय एड्रेस आ जाएगा, उनकी क्या सैलरी है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की क्या कहते हैं डिटेल्स को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, जैसे कि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, हमने बहुत सारे स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं। लेट सपोज पेन है, कॉपीज है, चेयर है, कैमरा GTC है, उसमें से किसी का डिटेल अगर हमें पता करना है कि वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, या फिर कितना इन हो रहा है, कितना स्टोरेज है हमारे पास, ये सारा चीज़ पता करने के लिए उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। लेट सपोज कि हमारे पास 300 पेन्स आए, उसमें से 200 पेन्स हमने साइड पे भेज दिया या फिर रेस्टोरेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने पेन्स बचे हैं, ये सब जानने के लिए हमें कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा है इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर का है बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो आज के डेट में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी विच इंक्लूड्स चेकिंग करेंट बैलेंस, जैसे कि बहुत लगभग ऑलमोस्ट सारी बैंक्स जो है ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज में क्या क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे कि आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, बैंकिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, इवन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट चार्जेज वगैरह के बारे में आप पता कर सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस इंटरेस्ट चार्जेज दैट बैंक्स आर गोइंग टू प्रोवाइड,
ठीक है, उसका एक सबसे बढ़िया ब्रॉड जो है कि एप्लीकेशन है, डेट इज एटीएम। एटीएम तो ऑलमोस्ट सब लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एटीएम मशीन विच इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, ठीक है, ये पूरा एक ऑटोमेटिक मशीन है कैश विदड्रॉ करने के लिए, या फिर कैश सीडीएम मशीन के थ्रू कैश डिपॉजिट भी होता है, ठीक है। ये भी एक क्या है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस में भी इसका काफ़ी लार्ज स्कोप है कंप्यूटर का। जैसे कि कोई एम्प्लॉइज है, सॉरी कोई कस्टमर है, उसने अपना इंश्योरेंस कराया, तो उसका स्टार्टिंग डेट क्या होगा एंड ड्यू डेट क्या होगा, उसकी पॉलिसी कब जाके पूरी होगी, ठीक है। सो ये सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। और बोर्ड में एक बार शेयर आप लोगों को कर रहा हूँ, थोड़ा इसको देख लीजिए, ठीक है। इसके और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे एजुकेशन, ठीक है। अभी जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन या फिर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एन और ये भी एक क्या है, एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, ठीक है, जिसमें आप स्टूडेंट्स कहीं भी हो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जैसे हमने क्लास दे दिया, उसके बाद से ऑनलाइन आपको स्टडी मटेरियल दे दिया, एंड आफ्टर दैट वी कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर डेट ऑल्सो, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आप कहीं भी हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से आपके स्किल्स को टेस्ट किया जा सकता है कि आपने कितना पढ़ा क्या किया, ठीक है, आपकी एग्जाम ली जा सकती है। तो एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर का ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे कोई कंपनी अगर लॉन्च करती है, तो सबसे ज़्यादा कंपनी एडवर्टाइजिंग पे पैसे खर्च करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चर मान लीजिए कंपनी अगर कर रही है, अगर उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, लोग उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा या फिर कम बनाने से का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि हम उसको पूरा मार्केट में लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग में भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, जिसको डिजिटल मीडिया भी बोला जाता है, जैसे कि बल्क एसएमएस हो गया, वॉइस कॉल हो गया, व्हाट्सएप के माध्यम से एनिमेटेड इमेज बनाना, क्रो ड्रॉ पे काम करके, फोटोशॉप, बढ़िया बढ़िया फोटोशॉप डिज़ाइन वगैरह करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, ठीक है। सो ये भी एक क्या है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन ही है। उसके बाद से बात करते हैं होम शॉपिंग की। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्लिपकार्ट हो गया, और फूड्स की अगर हम बात करें, फूड्स ऐप की, तो जोमेटो हो गया। अभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा मोबाइल ऐप्स चल रहा है होम शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो होम शॉपिंग में ये होता है कि एक मोबाइल ऐप्स होता है, आप उसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाके, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको ओपन करेंगे, फिर आपकी ज़रूरत की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर अवेलेबल है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कितना अमाउंट में आपको क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा होम शॉपिंग का कंसेप्ट, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे कि इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल, लैब्स, डिस्पेंसरी, इट इज ऑल्सो यूज इन डायग्नोसिस डिफरेंट डिजीज लाइक ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैंस, ठीक है। हेल्थ केयर में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, हॉस्पिटल में भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जैसे कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट नाम का सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी होती है, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट एडमिट हुआ, तो पेशेंट का उसमें सारा डिटेल रहेगा, पेशेंट का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, किससे वो इंजर्ड है, मतलब क्या उसको बीमारी है, क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या मेडिसिन उसको दिया जा रहा है, कौन डॉक्टर उसको अटेंड कर रहा है, ये सारा डिटेल रहता है उसके अंदर। ये भी इसमें
कंप्यूटर का ही एक एप्लीकेशन है लैब्स। अगर हम लैब्स की बात करें तो लैब्स में मतलब एक छोटे तौर पर मान के चलिए कि आपने एक ब्लड सैंपल लिया और उसको आपने चेक किया, अगर उसको भी अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में देना है पेशेंट को, तो आपको एक्सेल फाइल में या फिर वर्ड में उसको काम करके टाइप करके प्रिंट करके देना होगा। तो यहाँ भी आपको कंप्यूटर का एप्लीकेशन हो रहा है, ये छोटे लेवल पे। बट बड़े लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो अभी आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ गए हैं, जैसे बायो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की ऐसे ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस आ चुके हैं, जिसमें कि आप ब्लड डालिए और फिर वो उस ब्लड का एग्जामिनेशन भी करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिजल्ट भी मशीन देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, डिस्पेंसरीज, बहुत सारी डिस्पेंसरीज की दुकान पे आप गए जाते होंगे, तो वहाँ पे जैसे बहुत सारे बल्क में वहाँ पे मेडिसिन होते हैं, तो बहुत सारे मेडिसिन जब हैं वहाँ पे, तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे किस लोकेशन पर रखा गया है, ठीक है, ये मेडिसिन आपके यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, इसको कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यही अगर कंप्यूटर से उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, उसका एक सॉफ्टवेयर बना के हम रखते हैं जिसमें जितनी हमारे शॉप के अंदर मेडिसिन है सबकी डिटेल उसमें एंट्रीज रहेगी, इवन उसका एक्सपायरी डेट, कितने पीसेस मेडिकल शॉप में अवेलेबल है, ये सारी डिटेल उसमें डाल के रखी जाती है। तो जैसे आप जाके लेके जाएंगे कोई मेडिसिन, बोलेंगे कि सर ये मेडिसिन हमको चाहिए, कंप्यूटर में उसको चेक करेगा तो वहाँ से कंप्यूटर तुरंत उसको बता देगा कि ये मेडिसिन अवेलेबल है और कितने पीसेस अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो मेडिकल शॉप के किस लोकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रहा डिस्पेंसरी में एप्लीकेशंस। ठीक है, काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, कम समय में हमारे पास दवा की बहुत सारे आइटम्स हैं ना, तो कम समय में एक प्रॉपर आइटम्स को सर्च आउट कर लेना काफ़ी आसान हो जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। अब जैसे ये कंप्यूटर का यूज ऐसे भी किया जाता है डिफरेंट डिजीज में, जैसे आज के डेट में कंप्यूटराइज ECG मशीन भी आ गया है, EEG मशीन भी आ गया है, अल्ट्रासाउंड तो होता ही है आप लोग देखते हैं, ठीक है, CT स्कैंस भी अभी हो रहा है। ठीक है, इससे बड़े पैमाने पर अगर हम जाएँ तो MRI भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम, उसके बाद से है लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम। लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम में क्या आता है, ऑल टेस्ट कैन बी डन एंड रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर। ठीक है, जो भी टेस्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा बाय कंप्यूटर एंड जो रिपोर्ट है वो कंप्यूटर ही उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास है फार्मा इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि चेक ड्रग लेवल एक्सपायरी, इसमें क्या होगा कि ड्रग का लेवल चेक करेगा, ड्रग का एक्सपायरी क्या है, ठीक है, ड्रग के क्या क्या हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं, ये फार्मा इंफॉर्मेशन के अंदर में कवर हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का काफ़ी एक लार्ज स्कोप एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम इसके कुछ एरियाज एप्लीकेशन और भी हैं उसको भी हम देखते हैं। कुछ कंप्यूटर के एरियाज एप्लीकेशन ये भी है, जैसे पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है पेशेंट को कैसे मॉनिटर करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की, तो इसमें देखिए नाउ नाउडेज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन परफॉर्मिंग सर्जरी। कंप्यूटर आज के डेट में कुछ ऐसे भी कंप्यूटर हमारे पास डिजाइन हो चुके हैं जो कि सर्जरी के में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एंड इसका नेक्स्ट एरिया ऑफ एप्लीकेशन है हमारे पास इंजीनियरिंग डिजाइन। ठीक है, इंजीनियरिंग डिजाइन की बात करें तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़े हो रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग की डिजाइन करना है, या फिर अगर इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस की बात करें तो इसमें CAD का काम होता है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAD बोला जाता है, जिसमें भी जो भी मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल्स डिवाइस हैं या फिर उसका फ्रंट लुक है, ये सारे उसमें डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स आप देख रहे थे कंप्यूटर का कितना लार्ज स्कोप है, कितना लार्ज एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। हमने इसके बहुत सारे एरियाज एप्लीकेशंस में के लिए बात किया था, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बात किया था, डिस्पेंसरी के लिए बात किया था। उसके बाद इसको हमने मेडिकल फील्ड से भी जोड़ के दिखाया था कि मेडिकल फील्ड को कैसे इससे जोड़ा जा रहा है। तो आप सब देख रहे हैं कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा एक अब स्कोप है, ठीक है। बाकी इसके और भी कुछ एरियाज एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।